हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं बेबीज़ के लिए एकदम हेल्दी एंड कलरफुल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बेबी को गुड अमाउंट ऑफ आयरन देगा, जिससे उसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। साथ ही में इससे विटामिन सी मिलेगा जो बच्चे की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रखता है। नो डाउट खाने में भी बच्चे को ये पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ मैंने पालक के कुछ पत्ते लिए हैं और इसके जो आगे एक डंठल है उसको निकाल देना है। मेक श्योर आप पालक को बहुत अच्छे से धो के साफ पानी से धो के लें। तो पालक को चॉप कर लेना है और इसे फिर एक बोल में हमें डाल देना है। फिर इसमें डालना है थोड़ा सा पानी इसको बॉईल करने के लिए, मतलब इसको पकाने के लिए। फिर लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है। फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। और जब तक ये ठंडा होता तब तक हम ओट्स इसके लिए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच के आसपास ओट्स लिए हैं, तो कम ज़्यादा आप ले सकते हो बच्चे की एज के हिसाब से। 3 चम्मच ओट्स में मैंने एक कटोरी से थोड़ा कम पानी डाला है। तो इसे अभी हम फ्लेम पर रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको सॉफ्ट होने देंगे। तो देख सकते हैं इस स्टेज तक हमें ओट्स को पकाना है। तो अभी जो पालक हमने लिया था वो भी अभी ठंडा हो गया है, तो इसे भी हम ब्लेंड कर देंगे। जो भी पानी इसमें बचा है उसके साथ इसको ब्लेंड करना है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया की कुछ पत्तियाँ। इससे जो पालक का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और बच्चे को भी खाने में अच्छा लगेगा। तो अभी इसको प्यूरी करके आपको ओट्स में मिक्स कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बच्चे को ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन में बना के खिला रहे हो तो आप तभी खिलाएं जब सिंगल सिंगल आप उसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। तो 6 मंथ से भी आप बच्चे को इसे देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा काफ़ी दिनों से फ्रूट प्यूरी, वेजिटेबल प्यूरी या सेरेलेक वगैरह ले रहा है तो उसके बाद आप उसे इस तरह कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से बच्चे को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो भी लास्ट में तड़का मैं इसके लिए रेडी कर लूँगी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा घी और उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और इसको इस मिक्सचर में मिक्स कर लेना है। टेस्ट अच्छा आता है इससे। एकदम हेल्दी एंड टेस्टी ओट्स बनकर रेडी है। इन समर्स में बच्चे को हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करेगी। तो लंच टाइम में आप इसे बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का टमाटर। टमाटर का बाहर का छिलका हमें उतार देना है, क्योंकि अर्ली स्टेज में बच्चे को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। चॉप करके इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसकी एक फाइन प्यूरी रेडी करनी है। फिर एक पैन में थोड़ा सा घी ले लेंगे। जैसे ही घी थोड़ा गर्म होता है इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देना है और फिर आपको जो टोमेटो प्यूरी हमने करके रखी थी इसको इसमें ऐड कर देना है। इसे पकाने के लिए मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड करूँगी। कुछ मिनट्स के लिए इसको पकाना है, जब तक टमाटर का जो कच्चा पन है वो इसे निकल ना जाए। तो जब तक यहाँ प्यूरी पक रही है तब तक इसके लिए मैं ओट्स रेडी करूँगी। 3 चम्मच ओट्स लिए मैंने यहाँ पे। 3 चम्मच ओट्स में एक कटोरी से थोड़ा कम पानी डाला है इसको भिगोने के लिए। 3 से 4 मिनट इसको भिगोने को रखेंगे और जो इसमें पानी डालना है आपको पीने वाला साफ पानी डालना है। तो यहाँ टमाटर भी पक चुके हैं, तो इस टाइम पे सोख के ओट्स हम इसमें ऐड कर लेंगे और सब अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर के मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए जब आपका बेबी 7 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है तब से देना स्टार्ट करें, क्योंकि टमाटर एसिडिक होता है और अर्ली 6 मंथ्स में बच्चे को स्किन इरिटेशन कर सकता है। तो बस लास्ट में ऐड करी मैं थोड़ा सा सेंधा नमक जो ऑप्शनल है, तो इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है। तो देख सकते हो अच्छा सा कलर इसमें आ गया है, मतलब ये बनकर रेडी है। तो एक फीडिंग बॉल में अभी हम इसे निकाल लेंगे। और ये हेल्दी एंड इजी रेसिपीज इन समर्स में आप भी जरूर ट्राई करें, आपकी बेबी को काफ़ी पसंद आई खाने में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।